में या पार्श्व क्रम में एक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा, एक प्रतिरोध बहुत कम। तो यहाँ से अगर विद्युत धारा आएगी, इधर जाना कम पसंद करेगी, इधर ज़्यादा ज़्यादा पसंद करेगी। तो इसका अप्रोक्सीमेट लगभग जो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होगा, अगर आपको बोल दे कि फटाफट से तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारी की सारी विद्युत धारा इधर से ही होकर चली जाएगी, इधर से कुछ नहीं जाएगा। समझ में आया इसका तुल्य प्रतिरोध? हमने एक तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन फॉर्मूले से निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट आप आंसर करोगे 1 ओम ही आएगा, लगभग 1 ओम आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, हमने निकाला भी तो था, 0.99 आ जाएगा। तो 0.99 लगभग इसके बराबर ही ना है। अब इसका बताओ जरा, हाँ इसके अंदर क्यों, क्योंकि विद्युत धारा है वो यहाँ से होके जाएगी, यहाँ से तो आसानी से गुजर जाएगी, और यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के, सूत्र लगा के निकालोगे तो इसका आएगा 10 लाख ही। तुल्य प्रतिरोध इतना ही आएगा, ये लगभग किसके बराबर है, इसके बराबर ही तो है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये है एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट तो ये वैल्यू है, लेकिन अगर आपको बिना सोल्व करके निकालना है तो किसके बराबर हो गया ये, 10 की पावर 6 ओम के बराबर। समझ रहे हो क्या ये? अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक बहुत कम एक बहुत ज़्यादा, तो हमेशा तुल्य प्रतिरोध जो बहुत ज़्यादा है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसका आप बता सकते हो मुझे आसानी से, हाँ इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा, 0। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक परिपथ के अंदर प्रतिरोध लगा हुआ है, आपको उस प्रतिरोधक को हटाना नहीं है, उस प्रतिरोधक को बिना हटाए आपको उसका मान 0 करना है, कैसे करोगे? हाँ, पार्श्व क्रम में हम एक तार जोड़ देंगे जिसका प्रतिरोध 0 है, तो उस तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 0। समझे क्या ये चीज़? हाँ, अब एक तार, एक परिपथ के अंदर प्रतिरोधक लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध बहुत कम है, उस प्रतिरोध को आपको हटाना नहीं है और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा करना है, तो क्या करोगे? जिसके अंदर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है और वो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्लियर है ना, समझ भी होता है। जैसे कि इस पंखे को थोड़ी सी विद्युत धारा चाहिए और हमने इसको विद्युत धारा बहुत ज़्यादा दे दी, तो इस पंखे के साथ क्या होगा, सड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, है ना। यानी कि हमें क्या, हमें अगर विद्युत धारा का सही से उपयोग करना है तो हमें, हाँ हमें पहले, सबसे पहले यही पता करनी होगी कि इसको कितनी ज़रूरत है, इसको कितनी ज़रूरत है। उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो सामने वाला है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, है ना, उसी के हिसाब से हम उसको खाना देंगे। तो जो हम उसके कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो उसको अगर हम साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में अगर हम उसको बात करें, तो हम उसको ऐसे बात करते हैं कि वो कितना काम कर पाता है। ठीक है ना, ये होती है उसकी कैपेसिटी, क्षमता। क्या क्षमता? अगर किसी की भी, ये एक पंखे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अपनी खुद की भी बात कर सकते हो। जैसे कि मेरी भी अपनी एक कैपेसिटी है, मैं उतना ही काम कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगा ना, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। समझ रहे हो, मैं यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है और कह दूँ कि आप उसको उठा दोगे क्या? लेकिन इस चेयर को आप उठा सकते हो ना, तो ये आपकी कैपेसिटी है, वो आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है। तो कैपेसिटी को अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ कितना काम कर पाता है, वही उसकी क्या है, कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में, तो हमें अब बात किसकी करनी है कि विद्युत धारा कितना काम कर पाती है। क्लियर है, वो उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। अगर हमें विद्युत धारा की पता है कि इतनी विद्युत धारा जाएगी तो ये इतना काम करेगी, तो हम पहचान जाएंगे फिर, है ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि इस पंखे को कितनी देनी है, बल्ब को कितनी देनी है। क्लियर है, तो ये जब हम कहाँ पे पता कर, अब अच्छा ये बताओ कि ये जो क्षमता है, जैसे कि मान लो मैंने एक को बुलाया, जैसे इसी प्रदीप को बुलाया और कहा कि ये चेयर उठा ले, आसानी से उठा देगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर मैंने यही कहा कि ये चेयर तो उठा ले 5 घंटे तक, अब बताओ इसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी ना, 5 घंटे तक तो लगातार नहीं उठा पाएगा, चेयर तो वही है। फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये नहीं उठा, टाइम, है ना,
यानी कि कोई कितना काम कर पाता है उसके अंदर क्या ज़्यादा इतनी देर में कितना काम, समझ रहे हो। विद्युत धारा के लिए भी हमें टाइम आप मेंशन करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये पंखा है एक दिन चल जाएगा, ठीक बात है, लेकिन लगातार इसको हम 5 दिन तक चलाए रखेंगे क्या चल पाएगा ये? नहीं, बीच में ये पक्का ख़राब हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो हर एक वस्तु के लिए वो कितना काम कर पाती है उसके साथ हमें क्या जानना जरूरी है उसका, कि वो कितने टाइम तक, क्लियर है ना। तो क्षमता आपको समझ में आया। अब हमें बात करनी है विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा कितना काम करती है और कितने समय में काम करती है, ठीक है ना। ये हम विद्युत धारा की क्षमता कहेंगे, क्लियर है। विद्युत धारा की क्षमता, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, विद्युत धारा की क्षमता हम किसे कहेंगे, तो कोई विद्युत धारा एक कितने समय में कितना काम करती है। अब ऐसा ही हमने विद्युत धारा को जब परिभाषित किया था तब भी हमने ऐसा ही किया था कि कितने आवेश कितने समय में चलते हैं। फिर आवेश को हमने क्या कर दिया था, एक इकाई कर दिया था, है ना, क्योंकि हम एक दोनों में से, अब हमें नहीं पता कितना काम कितने समय में, टाइम भी फिक्स नहीं है हमारे लिए, आवेश वो विद्युत धारा भी फिक्स नहीं है। हम क्या करते हैं, विद्युत धारा, सबसे पहले तो आपको विद्युत धारा की जो क्षमता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा की क्षमता को हम कहेंगे विद्युत क्षमता, या इसको और अच्छे से अगर बोलो तो विद्युत शक्ति, या इंग्लिश में इसे बोलो तो इलेक्ट्रिक पावर। यहां अगर क्षमता के बोलोगे तो कैपेसिटी, ठीक है ना। विद्युत क्षमता, विद्युत शक्ति, या इलेक्ट्रिक पावर, या इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है विद्युत धारा कितना कार्य कर सकती है कितने समय में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी परिभाषा अजीब सी लग रही है, कितना टाइम कितना कार्य, तो हम क्या करते हैं, हम टाइम को फिक्स कर देते हैं। कितना फिक्स करेंगे, एक इकाई, क्लियर है ना। तो एक इकाई में विद्युत धारा के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा उसे ही हम विद्युत धारा की क्या बोल देंगे, क्षमता या शक्ति बोल देंगे। समझ में आया क्या सबको। अब मैं अगर बोलूं कि कोई विद्युत धारा है वो 1.5 जूल, क्योंकि कार्य को हम किस में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं, पता है इतना सबको, 5 जूल कार्य करती है 5 सेकंड में, बताओ उसकी क्षमता कितनी है। सर क्या हुआ, यह शक्ति विद्युत धारा की जो इतना काम इतने टाइम में कर रही है उस विद्युत धारा की शक्ति क्या होगी, 1 जूल कितने टाइम में, एक समय में, 1 सेकंड में, यानी कि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, क्लियर है ना। ये क्या हुई, इस विद्युत धारा की शक्ति हो गई जो कितना काम कर रही है, 5 जूल 5 सेकंड में, क्लियर है। अब हमें क्या बनानी है, इसकी इकाई बनानी है विद्युत क्षमता की। पहले तो विद्युत क्षमता समझ में आई कि नहीं आई, विद्युत क्षमता क्या, एक इकाई समय में विद्युत धारा के द्वारा कितना कार्य किया गया वो क्या होगी, उसकी विद्युत क्षमता होगी, क्लियर है, उस विद्युत धारा की शक्ति हो जाएगी, क्लियर है। अब इसकी यूनिट या इसकी इकाई क्या होगी, इसको हम पहचानेंगे किससे, तो विद्युत क्षमता या विद्युत शक्ति, या शक्ति कहीं पे भी, आपकी भी अगर शक्ति की बात करेंगे तो वो भी किस में नापी जाती है, वाट में, किस में नापी जाती है, वाट में, क्लियर है। ये किसकी इकाई है, शक्ति की, शक्ति को मापने की इकाई, क्लियर है क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत शक्ति क्या है, तो विद्युत शक्ति है विद्युत धारा के द्वारा एक इकाई समय में किया गया कार्य, क्या है, विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, मापने की इकाई क्या है, तो क्या है, वाट। इसको लिखते किससे हैं, तो इसको लिखते हैं कैपिटल W से, ये क्या है, वाट। जहाँ पे भी कैपिटल W आपको दिख जाए क्या बोलोगे, इसको वाट बोलोगे, ठीक है। किसको मापने की इकाई है, ये विद्युत धारा को मापने, सॉरी विद्युत शक्ति को मापने की इकाई, समझ रहे हो। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है, एम्पियर, क्लियर है ना ये सबको, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका सूत्र। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 जूल कार्य अगर 5 सेकंड में किया गया तो एक इकाई करने के लिए इसको भाग देना पड़ेगा, यानी कि हम टाइम को हर बार भाग देंगे जूल से,
सही से, ऐसा ही है क्या? हम किसको किससे भाग दे रहे हैं? यहाँ जो होगा उससे इस पूरे को भाग देंगे, यही तो कर रहे थे हम। हाँ। यानी कि यहाँ जो टाइम जितना होगा उससे भाग देना है किसको? कार्य को, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको थोड़ी सी और कन्फ्यूजन में करके ही दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे हमने क्या किया, पाँच से भाग, और यहाँ पे भी पाँच से भाग। ये कौन सा पाँच है? ये वाला पाँच है, तो वो वाला पाँच है? हमें क्या करना है, एक इकाई समय करना है, ठीक है ना, इसलिए इससे भाग दिया है, समझ रहे हो। एक मिनट, 25 जूल कार्य 20 सेकंड में, अब बता किससे भाग, 20 से भाग करोगे ना, क्यों? क्योंकि हमें एक इकाई किसको करना है, टाइम को, समय को कर। ठीक है, पावर या विद्युत शक्ति, क्लियर है सबको, समझ में आया ना ये? कोई डाउट नहीं है। किसका सूत्र है ये? विद्युत शक्ति का सूत्र है ये, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो P बराबर है W बाय T। ऐसा ऐसा कहीं और भी बना था विभवांतर में, वहाँ क्या था? V बराबर है W बाय Q, W बाय Q था वहाँ, T नहीं था, है ना। तो ये रिलेट भी थोड़ा सा अगर कर लोगे तो यहाँ एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, देखो कैसे। P है W बाई T, ठीक है। अब आपने वहां पढ़ा था V बराबर है W बाई Q, ये पढ़ा था। यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालना चाहूं, निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालूंगा? W बराबर है V गुणा में Q, यही है। ये W की वैल्यू क्या मैं यहां पे रख सकता हूं क्या? रख सकता हूं ना। ये मैंने कहां से लिखी? विभवांतर से। ये तो हमने लिखी विभवांतर से, विभवांतर V है W बाई Q, यहाँ से W की वैल्यू आ गई V Q, है ना। ये वाली उठा के मैंने यहाँ रख दी, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, पहले तो ये बताओ, रख सकता हूँ ना। तो ये रख दी मैंने, W की वैल्यू है V Q डिवाइड बाई T, ये एक अलग से फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आया ना, और ये आपको पहले से पता ही है। ये वैल्यू उठा के इसके अंदर रखी है, नया फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ आपको दिख रहा है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। V बाई T तो कहीं नहीं पढ़ा हुआ, Q बाई T पढ़ा हुआ है। Q बाई T किसके बराबर होता है? विद्युत धारा के बराबर। तो इस Q बाई T को क्या मैं विद्युत धारा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। तो एक नया फॉर्मूला और बन गया, क्या बना? P बराबर है V तो एज इट इज रह गया, Q बाई T क्या हो गया? I हो गया। ये एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये I कैसे लिखा, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, सबको आया ना? मेन yes, फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले कि सर आपने ये क्यों लिखे, तो इसका आंसर ये है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो या तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यूज़ कर लो, या फिर पहले ये लिखो फिर उससे ये निकालो और फिर यूज़ करो, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर कहीं पे आपको विद्युत शक्ति दे दी जाएगी और पूछ ली जाएगा विद्युत धारा कितनी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि विद्युत धारा तो यहाँ पे है। वहाँ आपको विद्युत शक्ति दे दी जाएगी और आवेश पूछ लिया जाएगा, तो आवेश कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। और अगर विद्युत धारा दे दी और टाइम पूछ लिया, फिर आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इसलिए हमने ये तीन फॉर्मूले लिखे हैं। ये किसके बारे में हुआ? विद्युत शक्ति के बारे में। अब हमें लिखना है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। चलो, विद्युत शक्ति की जो इकाई है मापने की वो है वोट, ठीक है। अब हमें पता करना है कि एक वोट कितना होता है। पीछे हम करते ही आए हैं, एक वोल्ट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है, एक कूलम कितना होता है, एक ओम कितना होता है, वैसे ही एक वोट कितना होता है। या इसको ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि एक वोट को परिभाषित कीजिए। मेरे ख्याल से तुम परिभाषित कर सकते हो। कैसे? हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू W बाई टी। अगर हमें पावर को कितना करना है, 1 वोट करना है, तो W को भी हम क्या कर देंगे, 1
जूल, टाइम को हम क्या कर देंगे वन सेकेंड, वो क्या हो जाएगा वन वोट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम जानते हैं क्या, तो कैसे लिखोगे, जो हमने परिभाषा लिखी थी ना अभी, उसके अंदर जो कार्य है उसकी जगह तो आ जाएगा वन जूल कार्य, और जो एक इकाई समय है उसकी जगह क्या आ जाएगा वन सेकेंड, यानी कि विद्युत धारा के द्वारा एक सेकेंड में जब एक जूल कार्य किया जाता है तो विद्युत शक्ति कितनी होगी एक वॉट। समझ में आएगा? ये बिल्कुल उसी परिभाषा से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे हमारी विद्युत शक्ति कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और साथ की साथ ही बता देता हूँ, कई बार वोट की जगह किलोवाट लिखा हो सकता है, वाट की जगह किलोवाट, ये भी किसकी इकाई है, विद्युत शक्ति की है, लेकिन इसके अंदर फर्क कितना है कि ये किलो, किलो कितना होता है 1000, है ना? तो ये तो है वाट, और अगर किलो वाट कहीं है तो उसका मतलब है कि 1000 वोट की बात हो रही है, ठीक है ना? बस इतना ही फर्क है, किलो वाट अगर कहीं पे लगा है तो इसका मतलब है कि वहां क्या है 1000 वोट है, ठीक है ना? किलो का मतलब ये होता है, और कहीं पे ये भी लगा हो सकता है मेगा वोट, मेगा वोट का मतलब है 10 की पावर 6 वाट, ठीक है ना? यानी कि 10 लाख वोट बोलो या 10 की पावर 6 वाट, ठीक है? तो ये आप लिख लो कि 1 किलोवाट कितना होता है, 1 मेगावाट कितना होता है। कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो एक ही कार्य को हम देखेंगे कि विद्युत धारा जो कार्य करती है उसमें से एक टाइप का जो कार्य है वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, और वो कार्य है ऊष्मा के रूप में, गर्मी पैदा करने के रूप में। क्लियर है ना? विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकती है, ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है, गर्मी उत्पन्न कर सकती है, और उस गर्मी का हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला उपयोग तो पानी गर्म करने में, क्योंकि हमें पानी गर्म करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम अगर चाय बनानी है तो उसके लिए भी पानी गर्म करना ही पड़ेगा, है ना? और वो पानी गर्म करने के लिए या तो हमें गैस जलाना पड़ेगा, या अगर हमारे पास विद्युत धारा है तो वो भी हमारा काम कर सकती है। कहाँ काम कर सकती है, क्या बना रखा है हमने उससे, पता है? क्या बना रखा है? हीटर। क्या बना रखा है हमने? हीटर बना रखा है। गीजर भी बना रखा है। दोनों किसे काम करते हैं? विद्युत धारा से ही काम करते हैं, और काम क्या करते हैं? बस गर्म करने का काम करते हैं, है ना? प्रेस है, ये भी क्या करता है? गर्म करने का काम करता है। क्लियर है? गर्म कौन करता है? तो विद्युत धारा गर्म करती है। क्लियर है? वही कार्य हमें यहाँ पे पढ़ना है कि विद्युत धारा जब किसी भी तार से चलती है तो वो एक काम हमें करके देती है, कि कौन सा काम? ऊष्मा उत्पन्न करने का या गर्मी पैदा करने का। समझ रहे हो इसको? और इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या बोलते हैं? ताप, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसका मतलब क्या होगा? इसका सिंपल सा मतलब कि विद्युत धारा जिस भी तार से चलेगी उसमें वो ऊष्मा उत्पन्न करती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी तार में कम, किसी तार में ज़्यादा। अब अगर हमें ऊष्मा उत्पन्न करवानी है तो हमें वो तार लेना होगा जिसके अंदर ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है, और अगर हमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं करवानी है तो हमें वो तार लेना होगा जिसमें ऊष्मा कम हो। क्लियर है? तो अब हमें यही देखना है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि विद्युत धारा जहाँ से भी चलेगी उस तार में वो ऊष्मा उत्पन्न करेगी। अब हमें ये देखना है कि वो ऊष्मा कितनी होगी, ठीक है ना? क्योंकि उसी से तो हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारा प्रेस कितना गर्म होगा, हमारा गीज़र है वो कितना गर्म होगा, या हीटर है वो कितना गर्म होगा। क्लियर है ना? वो उसी से तो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी ऊष्मा एक विद्युत धारा किसी तार के अंदर से चल रही है तब कितनी ऊष्मा वो उत्पन्न करेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा किसी तार से चलती है तो क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा। यही क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी भी तार से, चाहे वो कैसी भी तार हो, अगर उसके अंदर से विद्युत धारा चली तो वो गर्म हो जाती है या वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वही क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है? अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि क्यों, क्यों वो तार गर्म होता है या क्यों विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर है कि विद्युत धारा जब चलती है तो उसके अंदर कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन चलते हैं या आवेश चलते हैं, है ना? आवेश चलते हैं,
कुछ ऐसे भी होते हैं तार के अंदर जो नहीं चलते हैं, वो कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं, उन्हीं को हमने प्रतिरोध नाम दिया था, ठीक है। लेकिन चलते कौन नहीं है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब जो चलता है वो ना चलने वालों से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा ना। अब वो टकराते हैं, उसको एक मिनट के लिए रोको। अगर आपने दो पत्थर लिए और आपस में ऐसे टकराया, वहाँ पे एक चिंगारी उत्पन्न होती है कि नहीं होती? होती है ना। ज़्यादा देर नहीं, आप बिल्कुल आराम से माचिस की तिल्ली जलाइए कि नहीं जलाइए? उसको भी तो ऐसे रगड़ते ही हो, यानी कि आप क्या करते हो? टकराते ही तो हो उनको, ठीक है ना। आप किन्हीं भी दो चीज़ को, अगर आपने दो हाथ, अपने दोनों हाथों को ऐसे ज़ोर से तीन चार बार ऐसे ऐसे करोगे तो आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे ऐसे टकराने से। रगड़ने वाला कॉन्सेप्ट अलग है, टकराने वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर दो चीज़ टकराएंगी तो हो सकता है वो रगड़ भी खाएं, ठीक है ना। अगर आप इनको ऐसे टकराओगे तो ये रगड़ खाएंगी, अगर आप सीधा टकराओगे तो रगड़ नहीं खाएगी, बस टकराएगी। लेकिन इतना कन्फर्म है कि जब आप आओ, इलेक्ट्रॉन चलते हैं और टकराते किससे हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो वो अगर टकरा रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या उत्पन्न होगी? उष्मा। और वही उष्मा हमें तापीय प्रभाव के रूप में दिखती है, क्लियर है। और अब इतना भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं और उनको टकराते किससे हैं? वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। और यही, इसी को हमने नाम दिया था क्या? प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध भी तो यही है, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकना। यानी कि अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को चलने से जो रोकता है प्रतिरोध, वही किसका कारण है? इस उष्मा। किसी भी तार के अंदर विद्युत धारा उष्मा उत्पन्न क्यों करती है? तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। या फिर यूं कहें कि इसलिए क्योंकि वहां पे जो आवेश चलते हैं वो ना चलने वाले आवेश के साथ टकराते हैं और उससे क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। क्लियर है। तो ये आपको कारण समझ में आया तो यहां लिख लें, ना चलने वाले आवेश के साथ जब चलने वाले आवेश टकराते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, या अर्थात प्रतिरोध के कारण किसी तार में उष्मा उत्पन्न होती है। ये एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी तार के अंदर विद्युत धारा के द्वारा उष्मा उत्पन्न क्यों होती है? प्रतिरोध के कारण। उष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं, ठीक है। उष्मा को हम क्या बोलते हैं? हीट। या ज़्यादा अच्छे शब्दों में बोलें तो ये कि हीट एनर्जी, ये भी हम बोल देते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी तार के अंदर उष्मा उत्पन्न होगी तो सबसे पहले वो किसकी वजह से होगी? विद्युत धारा जा रही है उसकी वजह से, या फिर बिना विद्युत धारा चलते भी वो तार गर्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। यानी सबसे पहली बात तो उष्मा जो उत्पन्न होगी वो विद्युत धारा की वजह से ही होगी। दूसरा, विद्युत धारा तो चल रही है लेकिन उसके अंदर प्रतिरोध है ही नहीं, तो भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध एक मेन कारण है विद्युत धारा को उत्पन्न करने, सॉरी उष्मा को उत्पन्न, ठीक है। तो एक विद्युत धारा जरूरी है उष्मा उत्पन्न करने के लिए, एक प्रतिरोध, ठीक है। अब इससे तो ठीक बात है, इनसे उष्मा उत्पन्न होगी होगी, लेकिन एक तार है उसके अंदर हमने विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करवाई, और एक तार है उसके अंदर मैंने 10 मिनट तक प्रवाहित करवाई, कौन सा ज़्यादा गर्म होगा? 10 मिनट वाला, है ना। या चांसेस ज़्यादा है 10 मिनट वाले के 5 मिनट वाले की बजाय, है ना। या फिर एक को मैंने 5 मिनट तक चलाया और एक को 1 घंटे तक, तो 1 घंटे वाला ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा गर्म होगा, है ना। यानी कि टाइम भी मैटर करता है कि आपने कितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करवाई है, क्लियर है। मोटी और पतली तो प्रतिरोध के अंदर आ गई, वो तो प्रतिरोध के अंदर आ गई। मोटी पतली से क्या कम होगा? प्रतिरोध ही तो कम होगा ना। वो प्रतिरोध हमने एक लिख दिया, उसके अंदर वो सारी चीजें आ गई। आपको बता रहा हूँ कि उष्मा उत्पन्न होती है विद्युत धारा की वजह से, प्रतिरोध की वजह से, और दूसरा कि वो दोनों कितने टाइम तक रहे, यानी कि टाइम हर जगह इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्लियर है। समय बड़ा बलवान, सुना होगा आपने, ठीक है। तो विद्युत धारा की वजह से जो तापीय प्रभाव हो उससे कितनी उष्मा होता उत्पन्न होगी वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ये हमें कन्फर्म हो गया, विद्युत धारा पे, प्रतिरोध पे और टाइम पे। लेकिन फॉर्मूला हमारा अभी भी नहीं बना, ठीक है। अब हमें बनाना है फॉर्मूला, ठीक है। अब वो फॉर्मूला हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं क्या कि उत्पन्न तार के प्रतिरोध
यानी कि आर के ऊपर निर्भर करेगी, धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई यानी कि टाइम के ऊपर, क्लियर है। लेकिन फॉर्मूला नहीं बना है, अब हमें बनाना है फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, तो जो उष्मा है, उष्मा को अभी मैंने बताया ये क्या है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। ऊर्जा और कार्य के अंदर क्या फ़र्क होता है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। ऊर्जा होती है कितना कार्य कोई भी पदार्थ या किसी भी की द्वारा कितना कार्य किया जा सकता है, वो तो होती है ऊर्जा। और कार्य क्या होता है, तो कितना काम कर लिया गया है, ठीक है ना, कितना काम कर लिया गया है वो तो होगी कार्य, और कितना काम कर सकता है वो क्या होगा, मैंने अभी उससे काम लिया नहीं है लेकिन ये कन्फर्म हो पूरे दिन काम कर सकता है, ये क्या है, उसकी ऊर्जा है। और पूरे दिन मैंने उससे काम ले लिया, आखिर में उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो वो क्या हो गया, उसने पूरा काम कर दिया। कार्य और ऊर्जा में फ़र्क समझ में आया, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज़, एक के पास तो स्टोर है और दूसरा उसको यूज़ कर रहा है ना। यानी कि कार्य की जगह मैं कहीं पर ऊर्जा लिख दूँ तो हमारा काम चल जाएगा, है ना, समझ रहे हो क्या इतना सारे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कार्य का सूत्र बना लेते हैं, और कार्य का सूत्र बन जाएगा तो हमारा ऊर्जा का सूत्र, और ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इस उष्मा का सूत्र बना रहे हैं, ठीक है, कान को तोड़ मरोड़ कर, क्लियर है। तो हमें पहले क्या करना है, कार्य का सूत्र बना लेना है, और जो कार्य का सूत्र आएगा हमारा उसी को हम क्या कह देंगे, इसी उष्मा का सूत्र, क्यों, क्योंकि ये उष्मा भी वही ऊर्जा है, क्लियर है। तो सबसे पहले कार्य का सूत्र बनाते हैं। अब कार्य कहाँ कहाँ हमारे फॉर्मूलों में आया है, एक तो हमारे विभवांतर वाले फॉर्मूले में आया है, और एक कहाँ पे आया है, पावर वाले में, अभी हमने किया है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं पावर वाला फॉर्मूला। पावर वाला फॉर्मूला क्या है, W बाय टी, ठीक है, कार्य है और टाइम है, यही है ना, यानी कि ये क्या है, हम जानते हैं ये, हम जानते हैं पावर किसके बराबर होती है, कार्य डिवाइड बाय में टाइम, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, कार्य का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, कार्य का फॉर्मूला निकल गया, इसी को हम किसका बोल देंगे, उष्मा का फॉर्मूला। क्यों बोल देंगे, क्योंकि कार्य तो होती है किया गया कार्य, या कितना काम या कितनी ऊर्जा खर्च कर दी है, और ऊर्जा क्या है कि कितना काम कर सकता है, उसने अभी खर्च नहीं किया ऊर्जा, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, उष्मा, या उष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लियर है। और ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, उष्मा का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से आप, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला बना, अब पावर के हमने जितने फॉर्मूले बनाए थे, तीन फॉर्मूले बनाए थे ना, वो तीनों इसके अंदर रख दो और बन जाएंगे तीन फॉर्मूले, ठीक है, समझ रहे हो क्या। अब इसी से मैं तीन फॉर्मूले, बस मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो वो मैं समझा दूंगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात। जैसे कि एक फॉर्मूला तो P का ये बनेगा VIT, एक V और IT, VI तो मैंने लिखा था, जो P का फॉर्मूला हमने अभी पीछे निकाला था वो यहाँ पे पुट किया तो VI इंटू में T हो गया, ठीक है। अब V की जगह मैंने ओम का नियम पुट किया तो I² RT हो गया, और आई की जगह जब ओम का नियम पुट किया, आई की जगह ओम का नियम कैसे पुट करोगे, V/R, तब ये V² / R इंटू में इसलिए आ जाता है। ये वाला जो फॉर्मूला बना है ना, H = I² RT, इसको हम कहते हैं जूल का तापन का नियम, जूल का तापन का नियम। जूल नामक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम के ऊपर कार्य का जो हमने सिंबल बना रखा है, क्या है वो, जूल, मात्रक जो बना रखा है वो उसी साइंटिस्ट के नाम पे, और उसी ने ये फॉर्मूला सबसे पहले बनाया था। तो एक अगर आप अलग से क्वेश्चन लिखना चाहो कि जूल का तापन का नियम क्या है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्लियर है ना। यहाँ पे हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता। हाँ, एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि सर आपने उष्मा का मात्रक नहीं बताया, उष्मा का मात्रक क्या होगा, मात्रक, ऐसा तो प्रतीक है, मात्रक यानी मापने की इकाई, उष्मा क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा को मापने की इकाई, कार्य को मापने की इकाई, प्रतीक है W, मापने की इकाई जूल है, कार्य को मापने की इकाई जूल है,
तो कार्य को ही हमने एच बोला है, तो एच की मापने की इकाई जूल, इसलिए मैंने वो आपको नहीं बताया है। अगर आप वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या उष्मा को मापने की ये उष्मा को मापने की इकाई भी है और किसको कार्य को मापने की इकाई भी है, दोनों को मापने की इकाई क्या है, जूल या जे, ठीक है, ये अलग से लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।